प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है, पहने रहना गुणों का यही कहना है। करते चलो सबको प्यार, देते चलो सत्कार, तुम्हें तारों से आगे निकलना है। प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है, प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है। ओम शांति। आज प्यारे बाबा हम बच्चों को एक बहुत सुंदर बात सुना रहे हैं कि कई बच्चे पुराने हो जाते हैं, यहाँ तक बाबा ने कहा 30-35 वर्ष के पुराने भी हो जाते हैं, तब भी स्वयं को आत्मा समझ बाबा को याद नहीं कर पाते। और आज स्वयं से अवश्य चेक करके देखें, क्योंकि मनुष्य का मन संकल्प करता है, लेकिन जो संकल्प करता है बुद्धि उसका चित्र खींचती है, और फिर वे जो अनुभव है वो संस्कार का स्वरूप लेते हैं। अगर मन ने संकल्प किया और बुद्धि ने चित्र उस संकल्प का नहीं खींचा, तो इसका मतलब है कि मन कुछ और सोचता है और बुद्धि कहीं और है। और जब तक मन और बुद्धि दोनों का फोकस ठीक नहीं होगा, तब तक योग की अनुभूति नहीं हो सकती। इसलिए आज बाबा बच्चों को फिर से इस बात को दोहरा रहे हैं कि जब बैठते हो तो उसी क्षण अपने आप से पूछो कि मैं एक दिव्य ज्योति बिंदु, सूक्ष्म अति सूक्ष्म शांत स्वरूप आत्मा प्यारे बाबा को याद करने बैठा हूँ। जब अपने स्वरूप की स्मृति में स्थिति होगी और वो स्वरूप स्पष्ट दिखाई भी देगा, अनुभव भी होगा, तब बाबा से संबंध जुटता है और बाप की शक्तियों का आत्मा अनुभव कर सकती। तो आज बाबा के महावाक्यों में सार रूप में यही स्पष्ट कहा कि मीठे बच्चे खिवैया आया हुआ है, फिर भी बताता रहता है मैं आया हूँ। खिवैया आया है तुम्हारी नैया पार लगाने। तुम बाप से सच्चे होकर रहो। सच्चे होकर मानो झूठ ना बोलो, वो नहीं, वो तो है ही, लेकिन जो मैं जैसा हूँ वो सच्चा स्वरूप है। तुम बाप से सच्चे होकर रहो तो नैया हिलेगी, डुलेगी, लेकिन डूब नहीं सकती। तो ये अंडरलाइन करने की बात है, लेकिन किन किन ही डूबेगी, जो सच्चे होकर रहेंगे। प्रश्न है, बाप की याद बच्चों को यथार्थ न रहने का मुख्य कारण क्या है? जो बच्चे याद की शिकायत करते हैं कई बार, आज प्रश्न है कि कौन सा मुख्य कारण है जो बच्चों को यथार्थ याद नहीं रहती। सब मन में सोच लीजिए तो उत्तर सुनिए।
साकार में आते आते भूल गए हैं कि हम आत्मा निराकार हैं और हमारा बाप भी निराकार है। साकार होने के कारण साकार की याद सहज आ जाती है। देही अभिमानी बन अपने को बिंदी समझ बाप को याद करना इसी में ही मेहनत। नॉलेज जरूर है लेकिन नॉलेज का स्वरूप नहीं है और स्वरूप लाने में मेहनत। ओम शांति। शिव भगवान वाचे। इनका नाम तो शिव नहीं है ना, इनका नाम तो शिव नहीं है ना, इनका नाम है ब्रह्मा। और इन द्वारा बात करते हैं शिव भगवान वाच। ये तो बहुत बार समझाया है, कोई मनुष्य को या देवता को अथवा सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर को भगवान नहीं कहा जाता है। जिनका कोई आकार व साकार चित्र है उनको भगवान नहीं कह सकते। भगवान कहा ही जाता है बेहद के बाप को। भगवान कौन है ये कोई को भी पता नहीं है। नेति नेति कहते हैं अर्थात हम नहीं जानते। नेति अर्थात न इति, जो हमने कहा ये भी कोई अंत नहीं है, ये भी कोई अंत नहीं है, अंत कुछ और है। इसका अर्थ नेति हम नहीं जानते हैं। तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं। अब बच्चों को बाबा एड्रेस कर रहे हैं। तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जो यथार्थ रीति जानते हैं। आत्मा कहती है हे भगवान, अब आत्मा तो है बिंदी तो बाप भी बिंदी ही होगा ना। अब बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं। बाबा के पास 30-35 वर्ष के भी बच्चे हैं जो हम आत्मा कैसे बिंदी हैं यह भी नहीं समझते हैं। कोई तो अच्छी रीति समझते हैं, बाप को याद करते हैं। बेहद का बाप है। क्या है बेहद का बाप सोच लीजिए। बेहद का बाप है सच्चा हीरा। हीरे को बहुत अच्छी डिब्बी में डाला जाता है और कोई के पास अच्छे हीरे होते हैं तो किसको दिखाना हो तो सोने चांदी की डिब्बी में डाल फिर दिखाते हैं, वो भी बड़े नाजुक रूप से। ये देखिए, ऐसा नहीं ऐसे पकड़ा दिखा दिया, कोई शीशे का टुकड़ा थोड़ी है। तो बाबा को भी कैसे दिखाना है, कैसे विश्व के आत्मा को शो करना है, क्या उसकी वैल्यू है, वो अंदर वैल्यू को जानते हुए मनोस्थिति को सोने हीरे का बना के फिर दिखाएं कि ये है बाबा। डिब्बी में डाल फिर दिखाते हैं, हीरे को जोहरी ही जाने और कोई जान न सके। झूठा हीरा दिखाएं
तो भी किसको पता न पड़े। ऐसे बहुत ठगे जाते हैं ऐसे भी, तो अब सच्चा बाप आया है। परंतु अब परंतु क्या है, सच्चा बाप आया है तो सच्चा हीरा है, परंतु झूठे भी ऐसे ऐसे हैं जो मनुष्यों को कुछ भी पता नहीं पड़ता है। गाया भी जाता है सच की नाव हिले डुले पर डूबे नहीं, और झूठ की नाव हिलती नहीं, इनको कितना हिलाने की करते हैं जो यहां इस नाव में बैठे हुए हैं, वह भी हिलाने की कोशिश करते हैं, स्वयं नहीं हिलते, हिलाने की कोशिश करते हैं। ट्रेटर गाए जाते हैं ना, अब तुम बच्चे जानते हो कि भैया बाप आया हुआ है। भगवान भी है, बाप ने समझाया है, क्योंकि फूलों के बगीचे का बागवान भी है, और बाप ने समझाया है ये है कांटों का जंगल, और सभी पतित हैं। कितना झूठ है, सच्चे बाप को विरला कोई जानता है। फिर बाबा क्या कह रहे हैं, सच्चे बाप को विरला कोई जानता है, यहां वाले भी कई पूरा नहीं जानते, पूरी पहचान नहीं है, क्योंकि गुप्त है ना। भगवान को याद तो सब करते हैं, यह भी जानते हैं कि वो निराकार है, परम धाम में रहते हैं, और हम भी निराकार आत्मा हैं, ये नहीं जानते। साकार में बैठे बैठे वह भूल गए हैं, स्वयं को साकार समझ साकार को याद करना शुरू कर दिया, लेकिन मैं निराकार हूँ साकार में बैठे बैठे वह भूल गए हैं। साकार में रहते रहते साकार ही याद आ जाता है। तुम बच्चे अभी देही अभिमानी बनते हो, भगवान को कहा जाता है परम पिता परमात्मा, ये समझना बिल्कुल सहज है। परम पिता अर्थात परे से परे रहने वाला परम आत्मा, और तुमको कहा जाता है आत्मा, तुमको परम नहीं कहेंगे, तुम तो पुनर्जन्म लेते हो ना। अब ये बातें कोई भी नहीं जानते हैं, भगवान को भी सर्वव्यापी कह देते हैं। भक्त भगवान को ढूंढते हैं पहाड़ों पर, तीर्थों पर, नदियों पर भी जाते हैं, समझते हैं नदी पतित पावनी है, उसमें स्नान कर हम पावन बन जाएंगे। भक्ति मार्ग में ये भी किसको पता नहीं पड़ता कि हमको चाहिए क्या। मांगते तो कई कुछ रहते हैं, देखिए जिससे संतुष्टि आए तृप्ति आए, हमें चाहिए क्या मालूम नहीं है, सिर्फ कह देते हैं मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए, क्योंकि यहाँ दुखी होने के कारण तंग है। और सतयुग कोई मोक्ष व मुक्ति थोड़ी मांगते हैं, सतयुग में
कोई मोक्ष या मुक्ति थोड़े मांगते हैं, वहाँ भगवान को कोई बुलाते ही नहीं है, यहाँ दुखी होने के कारण बुलाते हैं। भक्ति से कोई का दुख हर नहीं सकते, भले कोई सारा दिन राम राम बैठकर जपे तो भी दुख हर नहीं सकते। ये है रावण राज्य। दुख तो गले से जैसे बांधा हुआ है, गाते भी हैं दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। इसका मतलब जरूर सुख था और अब दुख है। सुख था सतयुग में और दुख है अभी कलयुग में, इसलिए इसको कांटों का जंगल कहा जाता है। पहला नंबर, पहले नंबर का कांटा कौन सा है? पहला नंबर है देह अभिमान का कांटा, फिर है काम का कांटा। अभी बात समझाते हैं। तुम इन आंखों से जो कुछ देखते हो वह विनाश होने का है। अब तुमको चलना है शांति धाम, अपने घर को और राजधानी को याद करो। घर की याद के साथ साथ बाप की याद भी जरूरी है। क्यों? क्योंकि घर कोई पतित, क्यों कि घर कोई पतित पावन नहीं है। पतित पावन तो स्वयं बाप है। तुम पतित पावन बाप को कहते हो ना, तो बाप को याद करना पड़ेगा। वे कहते हैं माँ मेकअप याद करो, मुझे ही बुलाते हो ना बाबा, आकर पावन बनाओ। ज्ञान का सागर है तो जरूर मुख से आकर समझाना पड़े। प्रेरणा तो नहीं करेंगे। एक तरफ शिव जयंती भी मनाते हैं और दूसरी तरफ फिर कहते कि नाम रूप से ही न्यारा है। नाम रूप से न्यारी चीज कोई होती नहीं है। और फिर कह देते छिककर भीतर सब में है। अनेक मते हैं ना, बात समझाते हैं तुमको। पांच विकार रूपी रावण ने तुच्छ बुद्धि बना दिया है, इसलिए क्या इसलिए है? इसलिए देवताओं के आगे जाकर नमन करते हैं। कोई तो नास्तिक होते हैं, किसको भी मानते नहीं है। यहाँ बाप के पास तो आते ही हैं ब्राह्मण, सेवा स्थानों पर तो मिक्स हो जाते हैं। ब्राह्मण भी बनकर आते रहते, शूद्र भी आ जाते हैं और फिर वो ब्राह्मण बनते हैं। बाबा के पास तो आते ब्राह्मण हैं, जिनको 5000 वर्ष पहले भी समझाया था, लिखा हुआ भी है परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं। तो ब्रह्मा की संतान ठहरे। प्रजापिता ब्रह्मा तो मशहूर है, जरूर ब्राह्मण ब्राह्मणियां भी होंगे। अभी तुम
शूद्र धर्म से निकल ब्राह्मण धर्म में आए हो। वास्तव में हिंदू कहलाने वाले अपने असली धर्म को जानते नहीं हैं, इसलिए कभी किसको मानेंगे और कभी किसको मानेंगे, बहुतों के पास जाते रहेंगे। क्रिश्चियन लोग कभी किसके पास जाएंगे नहीं, जो पक्के होंगे उसी के धर्म के। अभी तुम सिद्ध कर बताते हो, भगवान बाप कहते हैं मुझे याद करो। एक दिन अखबारों में भी पढ़ेगा कि भगवान कहते हैं कि मुझे याद करने से ही तुम पति से पावन बन जाएंगे। जब विनाश नजदीक होगा तब अखबारों द्वारा भी ये आवाज कानों पर पड़ेगा। अखबार में तो कहां कहां से समाचार आते हैं ना, अभी भी डाल सकते हो। भगवान वाच परम पिता परमात्मा शिव कहते हैं मैं हूं पतित पावन, मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। इस पतित दुनिया का विनाश सामने खड़ा है, विनाश जरूर होना है, ये भी सबको निश्चय हो जाएगा। रिहर्सल भी होती रहेगी। तुम बच्चे जानते हो जब तक राजधानी स्थापित नहीं हुई है तब तक विनाश नहीं होगा। अर्थक्वेक आदि भी होनी है ना? नहीं, जब बाबा से बच्चों ने पूछा बाबा कब विनाश होगा, तब बाबा ने कहा ये तो मैं तुम बच्चों से पूछता हूं कि कब होगा, क्योंकि तुम तैयार नहीं हो तो तुम्हारे तैयार होने पर तो विनाश होना है, बाप ने कहा है ना। तो बाप से तुम पूछते हो तो बाप आपसे पूछता है। अर्थक्वेक आदि भी होनी है ना? एक तरफ बम्स फटेंगे, समाचार बाबा देते रहते हैं टाइम टाइम पर, एक तरफ बम्स फटेंगे दूसरी तरफ नेचुरल कैलिमिटीज भी आएंगी, अनादि नहीं मिलेगा, स्टीमर नहीं आएंगे, फैमिन पड़ जाएगा, भूख मरते मरते खत्म हो जाएंगे, भूख में ही मर मर के खत्म हो जाएंगे। भूख हड़ताल जो करते हैं वैसे कुछ ना कुछ जल व शहद आदि लेते रहते हैं, तब वो मरते नहीं हैं। लेकिन वैसे तो भूख कुछ समय चल सकता है, मनुष्य आखिर भूख में मर जाएगा। वो तो शहद जल व शहद आदि लेते रहते हैं, वजन में हल्के हो जाते हैं। ये तो बैठे बैठे अचानक अर्थक्वेक होगी, मर जाएंगे। विनाश तो जरूर होना है। साधु संत आदि ऐसे नहीं कहेंगे कि विनाश होना है, इसलिए राम राम कहो। मनुष्य तो भगवान को ही नहीं जानते, भगवान तो खुद ही अपने को जाने और न जाने कोई। उनका टाइम है आने का, जो फिर इस बूढ़े तन में आकर सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत की
नॉलेज सुनाते हैं। तुम बच्चे जानते हो, अभी वापस जाना, इसमें तो खुश होना चाहिए। हम शांति धाम जाते हैं, मनुष्य शांति ही चाहते हैं, परंतु शांति कौन देवे? कहते हैं ना, शांति देवा। अब देवों का देव तो एक ही ऊंचे ऊंचा बाप है, और वे कहते हैं, क्या ऊंचे ऊंचे बाप कहते हैं, वे कहते हैं, मैं तुम सबको पावन बनाकर ले जाऊंगा। और ध्यान से सुनो आगे क्या बाबा ने कहा, एक को भी नहीं छोड़ूंगा, कोई एक भी छूटे नहीं। जिस पर बाबा ने एक बार महावाक्य ये उच्चारण किए थे, क्या आप स्वयं देह अभिमान छोड़ देंगे तो बाप के साथ चल पाएंगे, अगर नहीं भी छोड़ेंगे तो देह को उधेड़ कर भी मैं तुम्हें ले जाऊंगा, छोड़ूंगा किसी को नहीं, एक को भी नहीं छोड़ूंगा। ड्रामा अनुसार सबको जाना ही है। गाया हुआ है, मत्स्यों दृश्य सब आत्माएं जाती हैं। ये भी जानते हैं, सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, और अभी कलयुग अंत में कितने ढेर मनुष्य हैं, फिर थोड़े कैसे होंगे? अभी संगम है। तुम सतयुग में जाने के लिए पुरुषार्थ करते हो, जानते हो ये विनाश होगा। मत्स्यों दृश्य आत्माएं जाएंगी, सारा झुंड चला जाएगा। सतयुग में बहुत थोड़े रहेंगे। ये सब बातें बच्चे जानते हैं, जाना सबको है, जाएंगे झुंड में, इकट्ठे इकट्ठे मरेंगे, इकट्ठे इकट्ठे जाएंगे, लेकिन सतयुग में बहुत थोड़े होंगे। बात कहते हैं, कोई भी देहधारी को याद ना करो। देखते हुए हम नहीं देखते हैं, हम आत्मा हैं। हम अपने घर जाएंगे, खुशी से पुराना शरीर छोड़ देना है, अपने शांति धाम को याद करते रहेंगे तो अंत मते सो गते हो जाएगी। एक बाप को याद करना इसमें ही मेहनत है। मेहनत बिगर ऊंचा पद थोड़ी मिलेगा। बाप आते हैं तुमको नर से नारायण बनाने के लिए। अब इस पुरानी दुनिया में कोई चैन नहीं है, चैन है ही शांति धाम और सुख धाम। यहां तो घर घर में अशांति है, मार पीट है। बाप कहते हैं, अब ये छी दुनिया को भूलो, मीठे मीठे बच्चों, मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग की स्थापना करने आया हूं। इस नरक में तो पतित ना बनो,
अब स्वर्ग में चलना है। अब बाप को और स्वर्ग को याद करो तो अंत मते सोगते हो जाएगी। अब प्रवृत्ति वालों को बाबा बता रहे हैं, शादी आदि में भले जाओ परंतु याद तो बाप को करो। नॉलेज सारी बुद्धि में रहनी चाहिए, भले घर में रहो, बच्चों आदि की संभाल करो परंतु बुद्धि में याद रखो। क्या याद रखो बुद्धि में? क्योंकि आधी बात तो अच्छी तरह याद रहती है कि शादी में भी जाओ, घर में भी रहो, बच्चों की संभाल भी करो, लेकिन जो पीछे वाली आधी बात है वो भूल जाते हैं कई बार। इसलिए मैंने आधा करके पढ़ रही हूँ। कौन सी बात याद रखो? बाबा का फरमान है, मुझे याद करो। घर छोड़ना नहीं है, नहीं तो बच्चों की संभाल कौन करेगा? वक्त लोग घर में रहते, गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं, फिर भी भक्त कहाँ जाता है ना? क्योंकि भक्ति करते हैं, घर बार संभालते हैं, विकारों में जाते हैं, तो भी गुरु लोग उनको कहते हैं कृष्ण को याद करो तो उन जैसा बच्चा होगा। ये गुरु जी भी उनको ऐसे ही आदेश उपदेश दे देते हैं, कृष्ण को याद करो तुम जैसा बच्चा होगा। अब इन बातों में तुम बच्चों को नहीं जाना है, क्योंकि तुमको अब सत्युग में जाने की बातें सुनाई जाती जिसकी स्थापना हो रही है। वैकुंठ की स्थापना को कृष्ण नहीं करते हैं, कृष्ण तो मालिक बना है, बाप से वर्षा लिया है। संगम के समय ही गीता का भगवान आते हैं, कृष्ण को भगवान नहीं कहेंगे। ये तो पढ़ने वाला ठहरा, गीता सुनाई बाप ने और बच्चे ने सुनी, कृष्ण बच्चे ने सुनी और बाप ने सुनाई। भक्ति मार्ग ने फिर बाप के बदले बच्चे का नाम डाल दिया है, बाप को भूल गए हैं, तो गीता भी खंडन हो गई है। वे खंडन की हुई गीता पढ़ने से क्या होगा? बाप तो राजयोग सिखा कर गए हैं, इनसे कृष्ण सतयुग का मालिक बना। भक्ति मार्ग में सत्यनारायण की कथा सुनने से कोई स्वर्ग का मालिक बनेगा क्या? ना कोई इस ख्याल से सुनते ही हैं कि हम ये कथा सुनने से स्वर्ग के मालिक बनेंगे, ना कोई इस ख्याल से सुनते हैं, उसे फायदा कुछ नहीं मिलता है। साधु संत आदि अपने अपने मंत्र देते हैं, फोटो देते हैं, यहाँ वे कोई बात नहीं है। दूसरे सत्संगों में जाएंगे तो कहेंगे फलाने स्वामी की कथा है। किसकी कथा? पहले नाम आएगा कथा करने वाला कौन? फला स्वामी की कथा है। फिर प्रश्न है किसकी कथा? तो वेदांत की कथा, गीता की कथा या भागवत की कथा। और अभी तुम बच्चे जानते हो हमको पढ़ाने वाला कोई देहधारी नहीं है, ना कोई शास्त्र आदि कुछ पढ़ा हुआ है।
शिव बाबा कोई शास्त्र पढ़ा है क्या? पढ़ते हैं मनुष्य। शिव बाबा कहते हैं, मैं गीता आदि कुछ पढ़ा हुआ नहीं हूँ। ये रथ जिसमें बैठा हूँ ये पढ़ा हुआ है, मैं नहीं पढ़ा हुआ हूँ। मेरे में तो सारे सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। ये रोज गीता पढ़ता था, तोते माफिक कंठ कर लेते थे। जब बाप ने प्रवेश किया तो झट गीता छोड़ दी। क्यों गीता छोड़ दी? क्यों छोड़ दी? क्योंकि बुद्धि में आ गया ये तो शिव बाबा सुनाते हैं। बाप कहते हैं, मैं तुमको स्वर्ग की बादशाह ही देता हूँ, तो अब पुरानी दुनिया से ममत्व मिटा दो, सिर्फ माँ में कम याद करो। ये मेहनत करनी है। सच्चे आशिक को घड़ी घड़ी माशूक की याद ही आती रहती है। तो अब बाप की याद भी ऐसी पक्की रहनी चाहिए। परलौकिक बाप कहते हैं, बच्चे मुझे याद करो और स्वर्ग के वर्षे को याद करो। इसमें और कुछ भी आवाज करना जहां जादी बजाने की कोई दरकार नहीं। गीत भी कोई अच्छे अच्छे आते हैं तो बजाए जाते हैं, जिनका अर्थ भी तुमको समझाते हैं। गीत बनाने वाले खुद कुछ भी नहीं जानते। कई फिल्म में गीत बने हुए हैं लेकिन उनका तो अपने रूप से अर्थ है, लेकिन बाबा कहते हैं वास्तविक अर्थ वो तो जानते नहीं। मीरा भक्तिन थी, तुम तो अभी ज्ञान नहीं हो ना। बच्चों से जब कोई काम ठीक नहीं होता है तो बाबा कहते हैं, तुम तो जैसे भक्त हो, तो वह समझ जाते हैं कि बाबा ने हमको ऐसा क्यों कहा। भक्त शब्द बाबा ने अगर किसी बच्चे पर लागू किया तो बच्चा समझ जाता है कि मुझे बाबा ने भक्त क्यों कहा। बाप समझाते हैं, बच्चे अब बाप को याद करो, पैगंबर बनो, मैसेंजर बनो और सबको यही पैगाम दो। क्या पैगाम दो? कि बाप और वर्षे को याद करो तो जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाएंगे। अब वापिस घर जाने का समय है। भगवान एक ही निराकार है, उनको अपनी देह है नहीं। बाप ही अपना परिचय बैठ देते हैं, मन मना भव का मंत्र देते हैं। साधु सन्यासी आदि ऐसा कभी नहीं कहेंगे क्या विनाश होना है और बाप को याद करो। बाप ही ब्राह्मण बच्चों को याद दिलाते हैं। क्या याद दिलाते हैं? कि याद से हेल्थ और पढ़ाई से वेल्थ मिलेगी। तुम कार पर जीत पाते हो, वहां कभी अकाल्य मृत्यु नहीं होता है।
देवताओं ने काल पर विजय पाई हुई है। इस समय देवता बनने वालों ने काल को जीता, देवताओं ने काल पर विजय पाई हुई है। अच्छा, मीठे मीठे शिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को। कई कुछ कहते हो आप, पता नहीं चलता, इसलिए हम चुप हो गए। याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते, इतना कुछ कहते हैं ना, लेकिन सभी तो बोलते नहीं हो। वो देखिए वहाँ पर जो मीरा या भजन बोलते हैं, सारी एक आवाज में क्या बढ़िया बोलते हैं। और यहाँ भगवान जी हमको कहते हैं मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों को याद प्यार, इतने प्यार से बोलते हैं, बच्चे समझते दूसरे बोल रहे हैं मेरी तरफ से उसका भी हो ही गया, इसलिए कोई ने बोला हम बीच में आ ही गए। तो रिस्पॉन्स भी इतना प्यार से देना चाहिए जो बाहर का कोई सुनने वाला सुने तो कान लगाए ये इन्होंने क्या बोला, इतनी सुरीली आवाज, इतना हृदय के प्यार से। यहाँ तो काम उतार देते हैं, कोई याद प्यार कह रहा है, कोई बाप दादा कह रहा है, अपने अपने रूप से कह के काम उतारते हैं। नहीं, बहुत प्यार से मैं कई बार सुनाती हूँ, बाबा कई बार साकार में खड़े होकर जब याद प्यार देते थे तो बाबा कई बार ऐसे हाथ जोड़ के आंखें बंद करके ऐसे भी कई बार करते थे, इतना बच्चों को सम्मान देते थे। और जब वापस जाते थे कई बार पीठ भी नहीं करते थे, ऐसे पीछे पांव करके गेट से बाहर निकलते थे। तो ऐसा प्यारा बाबा जो अपने बच्चों को ऊंचा बनाते स्वयं हैं और ऊंचा बनाकर उनको स्वयं ही सम्मान देते हैं, ये सम्मान देना बच्चों को सम्मान सिखाना भी है। तो ये हमारे अंदर से भी बाबा को जब रेस्पॉन्स देते हैं याद प्यार का, तो बड़े प्यार से हृदय के प्यार से निकलने चाहिए शब्द जो बाबा तक पहुंच जाए। धारणा के लिए मुख्य साथ, ऐसा कोई कर्म ना करना जो बाप द्वारा भक्त का टाइटल मिले। कई बार बाबा कह देते ये बच्चा भक्त है, कहते थे बहुत बड़ी शब्द बाबा ने कह दिया, भक्त कहना माना एक बहुत बड़ी बात कह दी, इसलिए बच्चों को बड़ी सावधानी रहती थी। कई बार बाबा कहते थे इस बार कई ब्राह्मणियां भक्त बच्चों को लाई, अब ब्राह्मणी बड़ा घबरा जाती थी मेरा कोई बाबा का बच्चा भक्त बच्चा आ गया। बाबा कहता था नहीं, क्योंकि बाबा घर में है तो घर में बाबा कभी इधर जाएगा, कभी किचन में जाएगा, कभी बाहर निकलेगा, और वो भक्त बच्चा जो होगा जहाँ देखेगा वहीं हाथ जोड़ता रहेगा। तो बाबा कहते थे इस बाबा को भी फिर साथ हाथ जोड़ने पड़ते, तो भक्त बच्चों को ले आए हो। ऐसा कोई कर्म ना करना जो बाप द्वारा भक्त का टाइटल मिले। पैगंबर बन सबको बाप और वर्षे को याद करने का पैगाम देना है। दूसरा है, इस पुरानी दुनिया में कोई चैन नहीं है, ये छीछी दुनिया है, इसे भूलते जाना है। घर की याद के साथ साथ पावन बनने के लिए बाप को भी जरूर याद करना है।
वरदान। डबल सेवा द्वारा अलौकिक शक्ति का साक्षात्कार कराने वाले विश्व सेवाधारी भाव, इसका स्पष्टीकरण है। जैसे बाप का स्वरूप ही है विश्व सेवक, ऐसे आप भी बाप समान विश्व सेवाधारी हो। शरीर द्वारा स्थूल सेवा करते हुए मनसा से विश्व परिवर्तन की सेवा पर तत्पर रहो। एक ही समय पर तन और मन से इकट्ठी सेवा हो। जो मनसा और कर्मणा दोनों साथ साथ सेवा करते हैं, उनसे देखने वालों को अनुभव व साक्षात्कार हो जाता है कि ये कोई अलौकिक शक्ति है। इसलिए इस अभ्यास को निरंतर और नेचुरल बनाओ। मनसा सेवा के लिए विशेष एकाग्रता का अभ्यास बढ़ाओ। स्लोगन, सर्वप्रति गुण ग्राहक बनो, लेकिन फॉलो ब्रह्मा बाप को करो। सर्वप्रति गुण ग्राहक बनो, लेकिन फॉलो ब्रह्मा बाप को करो। जीवन की नैया कर दे प्रभु के हवाले, प्रभु के हवाले। जैसे वो चाहे वैसे, जैसे वो चाहे वैसे इसको संभाले, इसको संभाले। जीवन की नैया कर दे प्रभु के हवाले, प्रभु के हवाले।